नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ क्यों हुई तमिलनाडु में शिकायत, डीएमके नेता ने बताई वजह। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में बदले जा चुके हैं 100 से ज़्यादा शहरों के नाम। G20 समिट की वजह से दिल्ली में भिखारियों और नशेड़ियों को मिलेगा स्पेशल ट्रीटमेंट, मेहमान बनाकर रखेगी पुलिस। आसियान समिट में पीएम मोदी ने किया G20 का जिक्र, कहा वसुधैव कुटुंबकम भारत की भावना। 6 महीने पहले चुनाव कराने की संविधान देता है इजाजत, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हवाला देते हुए बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम की तरफ से शिकायत दी गई। इस शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी नेता ने जानबूझकर तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ उनकी सनातन धर्म की टिप्पणी पर अफवाह फैलाई है। डीएम के लीगल विंग के आयोजक वकील के एवी दिनाकरन ने कहा कि मैंने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ धारा 153, 153 ए, 153 बी के तहत शिकायत दी है, क्योंकि उन्होंने हमारे मंत्री उदयनिधि स्टालिन के भाषण का गलत मतलब निकाला है, जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ सकता है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर क्या कहा था? तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उन्मूलन करने की बात कहकर विवाद पैदा कर दिया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका उन्मूलन कर देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र के बाद देश में नया विवाद शुरू हो गया है। पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जिसे लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह इंडिया नाम हटाना चाहती है। संविधान के आर्टिकल 1 में देश के नाम के तौर पर भारत और इंडिया दोनों के ही उपयोग का जिक्र किया गया है। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक 100 से ज़्यादा राज्यों और शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। नाम बदलने के इस ट्रेंड में राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण अहम रहे हैं। आइए इनमें से कुछ प्रमुख नामों पर एक नज़र डालते हैं। यूनाइटेड प्रोविंस बना उत्तर प्रदेश। आज़ादी के बाद भी कुछ सालों तक उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में जाना जाता था। साल 1950 में इसका नाम बदला गया। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, लेकिन साल 2000 से पहले इसका क्षेत्रफल और भी ज़्यादा था। यूपी के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने अलग राज्य की मांग करनी शुरू की और 9 नवंबर 2000 को यह हिस्सा अलग हो गया और उत्तरांचल राज्य बना। भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट में भी बदलाव किया गया। इतना ही नहीं, भिखारियों, नशेड़ियों और किन्नरों के घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस जनपद, बंगला साहिब गुरुद्वारा, केजी मार्ग और हनुमान मंदिर के आसपास नजर आने वाले भिखारी, नशेड़ी और किन्नरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों तरफ इन लोगों के घुसने पर मनाही है। अगर कोई नजर भी आता है तो इन लोगों को शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता पहुंच गए हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि आसियान में सभी देशों की आवाज़ सुनी जाती है और हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझेदारी 4th दशक में प्रवेश कर रही है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूँ। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनावी राज्य भोपाल के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने गुरुवार 7 सितंबर 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय से पहले चुनाव कराने के संकेत दिए। राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है। अनुच्छेद 83 के भाग 2 कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होगा और इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीने पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं। कैसा लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।